नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट एंड स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। बचपन से ही आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि फला दिन या समय में नाखून नहीं काटने चाहिए। हालांकि उनका कहना मानकर हम नाखून तो नहीं काटते थे, लेकिन ये समझ नहीं आता था कि ऐसा किस लिए कह रहे हैं। बचपन गुजरने के साथ साथ ये बातें आदतों का हिस्सा बन गई। बड़े बुजुर्गों द्वारा कही गई इन बातों के पीछे ज्योतिष विज्ञान का रहस्य छिपा हुआ है। नियमों का पालन न करने से जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका सिलसिला शुरू हो जाता है और माँ लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है। शनिवार को नाखून काटने से आयु कम होती है और घर में गरीबी आती है। मंगलवार को नाखून काटने से भाइयों में मन मुटाव होता है और साहस और पराक्रम कम होता है। इसके साथ ही खून से संबंधित बीमारियों की आशंका रहती है। वहीं गुरुवार को नाखून काटने से शिक्षा संबंधी ज्ञान में कमी आती है और पेट संबंधी बीमारियां होने की आशंका रहती है। रात में नाखून काटना सेहत के लिहाज से ठीक नहीं होता। रात में नाखून काटने से देर तक पानी के संपर्क में न आने के कारण नाखून सख्त हो जाते हैं। वहीं ज्योतिष के मुताबिक रात में नाखून काटने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जो कई तरह के नुकसान करवाती है। साथ ही शाम के समय में धन की देवी और रात के समय धन की देवी माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इस समय नाखून काटने से माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इन 3 दिनों को छोड़कर अन्य किसी भी दिन नाखून काटे जा सकते हैं। नाखून हमेशा नहाने के बाद ही काटने चाहिए। नहाने के बाद नाखून मुलायम हो जाते हैं, जिससे ये आसानी से कट जाते हैं। नाखून काटने के बाद अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।